हम नशी झूले मेरे दिल की ज़मीन, इस दिल मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं। मामा आप बहुत फिक्र करती है, रोज आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज कर तो देता हूँ, फिर और कैसे इतला करूँ। अच्छा तो तुम क्या समझते हो तुम्हारे गुड मॉर्निंग कहने से मेरी जिंदगी में सब कुछ गुड हो जाएगा? हादी कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए, तरस गई हूं तुम्हें देखने को मैं बेटे। अब आप जानती है ना यहाँ पे मेरे पास कितना काम होता है, क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स होती हैं, हॉस्पिटल जाता हूँ, रोज आपसे एक एक घंटा तो बात नहीं कर सकता ना। एक घंटा? अरे कई कई दिन तुम फोन नहीं करते, मुझे तो लगता है तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे माँ बाप भी हैं। अच्छा ठीक है, देखें कैसा लग रहा हूँ, बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा छोड़ के गया था। काम का फिक्र क्यों करती हैं? फिक्र इसलिए करती हूँ क्योंकि तुम अकेले हो, अगर कोई ख्याल रखने वाली होती then I wouldn't be worried। Come on मामा, जरूरी नहीं है कि हर इंसान के पास ख्याल रखने वाली चिपकी हुई हो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। Anyway, अब डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, बहुत लंबी सर्जरी से वापस आया हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। अच्छा ओके, यू टेक केयर। सर मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरे अस्पताल में हर एक फैसिलिटी मौजूद है, सिर्फ एक कार्डियक सर्जन की जरूरत है। खुदा के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज किसी को भेज दीजिए। खजिस्ता बेटा, कोई भी अच्छा डॉक्टर आपके एरिया में आने को तैयार नहीं, और ना ही कार्डियोलॉजिस्ट। अब बताएं इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों, क्या मेरे इलाके में इंसान नहीं बसता है? डॉक्टर दलाल मैं आपको बता रही हूँ कि शहर से बेहतर सैलरी मिलेगी उनको। बात सिर्फ सैलरी की नहीं है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, आप मुझे बताएं कि एनुअल मीटिंग कब होगी, मैं वहां पे ये मुद्दा उठाऊंगी। चलो ठीक है, उसके बारे में मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, और कोशिश करता हूँ इस सिलसिले में जल्द से जल्द कुछ किया जा सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो आ जाएगा। जानती हूँ कि वहां जाएगा, लेकिन क्या उसका आना तुम्हें बर्दाश्त होगा? क्या हो गया सभी का, तुम उकता ही नहीं हो अभी तक, उसी टॉपिक पे बात करते हो। नहीं उकताती है कि टॉपिक पे बात करने से। मत सुना करें आप लोग मेरी बातें, वैसे भी इस घर में सब इतने मसरूफ होते हैं कि किसी के पास मेरे लिए टाइम है ही नहीं। पापा प्लीज प्लीज हसन, अब तुम पुरानी बात लेकर मत बैठ जाना। मानती हूं कि तुम्हें छोड़कर गई थी, लेकिन जो मैंने किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया और अपनी मजबूरी में किया, जब भी तकलीफ मैंने ही उठाई थी। आज तुम्हारी वजह से हादी मुझसे दूर हो गया, तकलीफ अब भी मैं ही उठा रही हूँ। सो प्लीज जस्ट लेट इट गो। देखो बेटा, जो कुछ तुमने पास्ट में किया है या तुमसे हुआ है, सब बातों को दोहराने का अब कोई फायदा नहीं है। अपनी फैमिली पे फोकस करो। हम जो सह रहे हैं वो हमारी किस्मत, लेकिन तुम खुद को देखो, अपने लिए बेहतरी के फैसले लो बेटा। I'm really sorry. I know ये मेरी वजह से। काश मैं इसका कफारा अदा कर सकता। I'm really sorry. Shouldn't have said all that. I'm sorry. You shouldn't be sorry. जा रहे हो मैं फैंस को बोलो मुझे भी जाना है, मुझे भी अस्पताल जाना है और मुझे क्यों रोकता है? फिर से अमरोज खाना, कितनी बार तुम्हें मना किया बड़ों को उनके नाम से नहीं बुलाता। तुम्हें समझ के नहीं आती। इधर देखो मेरी तरह, आइंदा बाबा को बाबा कहना, नाम से मत बुलाना, बुरी बात। क्यों? वो भी तो दादी को सिर्फ खान कहती है और शाहजे भी अमरोज खान कहती है। अच्छा, बहुत जबान लग गई है ना तुम्हारी। मेरी बात सुनो, तुम्हारा बड़े स्कूल के अंदर दाखिला कराऊंगी, पर देखते हैं। बहुत बोलता है, इससे क्या खेल रहा था? मारा तो नहीं किसी को? फिर से भाभी किताबें लेकर आई थी इसकी, पढ़ाया करो ना इसको बिठाकर। तुमने तो इसका नाम दरकज़ाई रखा था और कहा करती थी कि मैं इसे पढ़ाऊंगी, तो अब टाइम निकालो। अच्छा, हम रोज बार इंतजार कर रहे, कह रहे थे तुम अस्पताल छोड़कर ही शहर जाएंगे, तो जल्दी कर। चलो मैं जा रही हूँ, ख्याल रखना और तंग मत करना। अल्लाह हाफ़िज़। गुल्ले, मैं भी साथ जाऊंगा। ये गुल्ले किसी दरकज़ाई के नहीं है। इंसान बनो। क्या कह रहे थे? परेशान कर रहे थे उसे। चलो खाना खिलाती हूँ। बड़े सही कहते, वक्त कितना भी खड़ा हो, जब गुजरने पे आता है तो गुजर ही जाता, पता नहीं चलता। ये आपसे किसने कहा? जिस पे वक्त आता है उसको बता कर जाता है कि वो कितना कड़ा, कितना कठिन था। जो कुछ पूछूं उसका टिक टिक जवाब देना। सर झुकाकर बेबस और मजबूर जाहिर करने की जरूरत नहीं है खुद को। क्या पूछना चाहते हैं? इस दुनिया में तुम्हारी कितनी बहनें हैं? वो बच्ची जिसको तुम पीठ पर बैठाकर सारे गांव में घुमाते थे, उंगली पकड़कर एक एक बंदे को कहते थे कि हमारी बहन है, हम इसका इकलौता भाई। आज तुम उस बच्ची के साथ निकाह पर कैसे राजी हो गए अमरोज लाला? बस करो खजिस्ता, मेरा दिल फट जाएगा। कैसे दिल को तो फट ही जाना चाहिए लाला। जो तड़कते हुए भी मुर्दा हो, दादी से जाके कह दो हम इंसान है, कोई उनकी खरीदी हुई जमीन नहीं है कि जैसे दिल चाहेगा वैसे फसलें उगाएंगे। अगर उन पर दिलावर खान की बेटी बारी हो गई है तो कह दो कि बराम खान से हमारी शादी करा दे। शेर काका के चरसी बच्चे से हमारा निकाह पढ़ा दे, मगर खुदा के लिए हमारे पर ये जुल्म ना करे, कि जुल्म ना करे अब्बा। वो बच्चा कैसा पागल जैसा बात करता है, हमेशा ऐसा ही होता आया। होता है तो क्या हुआ, हो रहा है, अब नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी मोरे, तुम्हारी सगी बेटी नहीं, मगर तुम तो किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो। मुझे ये बताओ कि वो लाला जिसको मैंने पूरी जिंदगी अमरोज लाला कहती रही, तबाही समझती रही, उसके साथ मैं कैसे निकाह करूं? हो रही थी, जब ये फैसला हो रहा था तो तुम में से किसी ने क्यों कुछ नहीं बोला? किसी को मेरा ख्याल नहीं आया, मेरे ऊपर तरस नहीं आया। हमेशा मैं ही अपने अकेले क्यों बात करूं? तुम क्यों मेरा लिए बात नहीं करते? इसने कहा से बेहतर था कि आप लोग मुझे इस दरिया में धक्का दे देते। रिजाल ले लेते मुझ पर ये जुल्म ना करते, ये जुल्म ना करते मुझ पर। तुम अमरोज खान की बहन हो और बहन ही रहोगे। हाँ सही कहा तुमने, लेकिन खड़ा वक्त भी उन्हीं पर आता है जो उसे सहने की हिम्मत रखते। अब देखो ना, तुम्हारी हिम्मत की वजह से इस इलाके में तालीम कितनी फैल गई, काफी बच्चियां शहर जाने लगी है पढ़ने के लिए। सिर्फ मेरी हिम्मत नहीं लाला, आपकी मदद। अगर आप इलाके में इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा अस्पताल बनाने में मेरी मदद ना करता तो शायद मैं कभी ये ना कर पाती। सब आपकी वजह से। अच्छा, आपको याद है ना कल दरकज़ई का दाखिला कराना है? हाँ हाँ याद है, याद है, हो जाएगा। लेकिन मेरी बात सुनो तुम, मैं आज फिर शहर जा रहा हूँ। दुआ करो डॉक्टर शहरयार का कुआ था पता मिल जाए। लो पहुंच गए। लो तुम्हारा अस्पताल आ गया। जाओ, मुझे भी डॉक्टर शेरयार के लिए निकलना है। लाला, पामा खादे खा। खुदे पामान। लाला, वो होटल मोटल को गोली मारो। मुझे अस्पताल बनवाना है, औरतों का अस्पताल, वो ताकि खजिस्ता डॉक्टरी यहाँ पे करे। इलाके की औरतों का फायदा भी होगा, और वो डिस्पेंसरी उसके बैठने के काबिल नहीं है। यार एक बात बताओ मुझे सच सच, ये खजिस्ता को रोकना तुम्हारी गैरत और अना का मसला है या दिल का भी मामला है? वो लाला, दरकज़ई मर्द का बच्चा है, दिल की बात पर ध्यान नहीं देता। वो गैरत हर चीज से पहले है। इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखकर बात करो। वो लाला फजूल बातें मत करो, छोड़ो। कल ये ठेकेदार लोग दोबारा आएंगे, तुम दाजी से बात करो, पैसे दिलवाओ। मैं चाहता हूँ खजिस्ता के आने से पहले यहाँ पे अस्पताल तैयार होना चाहिए। बस बेबनिया, तुम्हारा ये उतरा वो चेहरा पसंद नहीं है। जैसे पहले थी वैसी हो जाओ। तुम हर वक्त मुझसे लड़ती थी, तकरार करती थी, बहस करती थी। मुझको वही गोले चाहिए। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, जब तक अस्पताल नहीं बनता तुम डिस्पेंसरी में बैठ के डॉक्टरी करो। मैं इजाजतनामा ले लूंगा। उनको लाने ले जाने की ड्यूटी मेरी है। तुम परेशान नहीं होना, कभी परेशान नहीं होना। ये तुम अचानक इतने अच्छे कैसे हो गए? तुम्हारे वास्ते। तुमको पाने के लिए। Yes, I just got home. Okay. Yes, and I'll talk to Dr. George to tell him. Yeah. Okay. Bye. क्या हुआ? होना क्या है डैड? मुझे समझ में नहीं आता, ये लोग डॉक्टर्स को ना रोबोट समझते हैं। अभी 6 घंटे की सर्जरी करके आया। मैंने तुमसे कहा था ना कि हार्ट मत पड़ो, मुश्किल भी है और बेसुकून भी। Anyway, ये आपके हाथ में क्या है? ये वो पाकिस्तान में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही है, सभी का ने फैक्स भेज दिया है। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी चलो साथ। क्या फायदा डैड, टाइम नहीं है मेरे पास, और ये बात आप भी जानते हैं। टाइम निकालने से निकलता है। 6 साल हो गए तुम्हें उस सरजमी पे कदम रखे हुए। हसन की शादी हो गई, उस पर भी तुम नहीं आए। उसका 3 साल का बेटा है, उसे भी तुमने नहीं देखा। तुम्हारा दिल नहीं करता है? हसन को इतनी दफा मैंने कहा है कि अपनी फैमिली के साथ आए, मेरे साथ रहे। यहाँ पे आता ही नहीं, पूरी दुनिया में टूर करता है लेकिन मेरे पास नहीं आता। 2 भाई हो सर, एक गिल्ट में जी रहा है, दूसरा सिद्ध में। प्लीज खत्म कर दो यार ये सब। तुम्हारी टेंशन में सभी का कुछ शुक्र हो गई है, पहले जैसी बात भी नहीं रही उसमें अब। Yeah. Okay. Get him to the ICU. ये फाइल चेक करें। डॉक्टर खजिस्ता, ये रिपोर्ट मैं चेक कर चुका हूँ। आप देख सकती हैं इस पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम है। फिर क्या करना है? क्या करना है डॉक्टर खजिस्ता, मैं इन्हें शहर रेफर कर चुकी हूँ, बल्कि अब तो इनकी फैमिली इन्हें शहर ले जाने की तैयारी कर रही है। मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इस पेशेंट की बात नहीं कर रही, ओवरऑल क्या करना चाहिए हमें। हमारे यहाँ दिली अमराज बढ़े जा रहा है, हमारे पास इनिशियल चेकअप के लिए डॉक्टर नहीं है। ये सर्जरी कैसे लेकर आएंगे? 6 साल में अपना इतना बड़ा हॉस्पिटल बना लिया, काफ़ी सर्जरीज होती हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह एक दिन आ जाएगा हार्ट स्पेशलिस्ट भी, इंशाल्लाह। वो दूसरे वाले पेशेंट का आपने बताया था, ये वो रिपोर्ट। ओहो, इनकी तो किडनीज बिल्कुल खत्म हो गई है, इनको फौरन डायलिसिस पे डालना चाहिए। अच्छा गर्म कपड़े रख लिए हैं ना, पहाड़ों में ठंड होगी, you'll need them। जी मामा पैकिंग भी हो गई, गर्म कपड़े भी रख लिए। अच्छा हसन सनी का ना खास ख्याल रखना है, बच्चों को जल्दी ठंड लगती है। प्लीज हम सनी को साथ लेके नहीं जा रहे, हम अपनी वेकेशन एंजॉय करने जा रहे हैं, उसको आपने अपने पास रखना। Very nice। जी वेरी नाइस। और वैसे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फ्लैट बोल के गए थे, थोड़े दिनों का वापस नहीं आए, आपका भी दिल लगा रहेगा। ओह वाओ प्रैक्टिस, और तुम लोग तो ऐसे ही बड़े हो गए थे, है ना। अच्छा चलो ठीक है तुम जाओ। अच्छा सर कह दीजिएगा मुझे लेट होगा, खाने का इंतजार ना करें। बाय बाय। सनी राइट, मैं डॉक्टर इसलिए नहीं बनी थी कि मेरे सारे घर वाले मरीज बनकर बैठ जाए। दवाई का कोई वक्त होता है ना, आप वक्त पर दवाई क्यों नहीं खाते हो? तुमको अस्पताल इसलिए बना कर नहीं दिया था मैंने कि तुम दिन रात उधर ही रहे, चौकीदारी करे, उसका तुम टाइम पे क्यों नहीं घर आते? शौक से नहीं रहती वहां पर, इस इलाके में मरीज ही इतने रहना पड़ता है। तुम्हारा दादी कह रहा था कि जो दवाई खजस्ता अपने हाथ से खिलाता है उसी से आराम आता है, आप तुम खुद खिलाओ दवाई। अच्छा बहाने हैं ये सारे, दवाई ये नहीं देखती कि किसके हाथ से खिलाई जा रही है, लेकिन दवाई ये जरूर देखती है कि कब खाई जा रही है, वक्त पर खानी है दवाई। वो तुम्हारे अस्पताल में एक नया डॉक्टर आया है, क्या भला सा नाम उसका, डॉक्टर अलियान। तो उसके साथ मेरे रिश्ते की बात कर ले, है ना। मेरी शादी करा दे, जैसे कोई नया डॉक्टर आता है आप लोगों को मेरी शादी याद आ जाती है, जैसे इस दुनिया के अंदर और कोई काम नहीं रह गया सिवाय मेरी शादी के, नहीं करूंगी तो कयामत आ जाएगी। बड़ा सिद्धि है ये। हम जब भी शादी का बात करते हैं इसको गुस्सा आ जाता है, बात करता हूं उससे। खजस्ता बच्चे तुम कब तक अकेला रहेगा, एक बात का तो हमको पक्का पता है, दरख्ज़ाई तुम्हें बहुत चाहता था पर तुम्हारा दिल में उसके वास्ते कोई मोहब्बत नहीं था। बच्चा क्या तुम सारा जिंदगी अकेले गुजारेगा? हो सकता है वजह कोई और हो। तो क्या वजह है हमको बताओ ना, तुम्हारा दादी बहुत परेशान है, वो तुम्हारा वजह से बीमार रहने लगा, कि खुदा ना खास्ता अब उनको कुछ हो गया तो। अल्लाह ना करे मोर, ये कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा तुम हमारा बात नहीं मानेगा तो फिर हम ऐसे ही बात करेगा, मसला क्या है तुम हमको बताओ। वो शेर वाला डॉक्टर तो नहीं है, वो जिसको अमरोज ढूंढने गया था? बोलो हमें कुछ तो बताओ, तुम्हारा दिल में क्या है कुछ तो बोलो। सलाम चाची। सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। पलवशा कैसे हो? मैं ठीक। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये हमारा मेडिकल कॉलेज में ना एडमिशन हो गया तो उसके वास्ते हम फॉर्म फिल करवाने आया था। ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत मुबारक हो। मोर अगर मैं अपने दिल के रास्ते पर चली होती ना तो आज इन सब के रास्ते बंद होते। आओ फलवशा तुम्हारा फॉर्म फिल करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मिठाई कहाँ है? मिठाई हम लाए। पता नहीं सनी क्या कर रहा होगा, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। यार एक दिन नहीं हुआ मैं यहाँ पे आए हुए और तुम सनी 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 करने लग गई हो। ठीक होगा, मामा उसका ख्याल रख लेंगी, तुमसे बेहतर उन्होंने बच्चे पाले हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि आंटी उसका ख्याल नहीं रख रही होंगी, बस मेरा दिल नहीं लग रहा उसके बगैर। मेरे साथ भी दिल नहीं लग रहा। ऐसी बात नहीं है हसन, माँ का दिल औलाद के लिए बहुत कमज़ोर होता है। हाँ लेकिन अपना दिल मजबूत कर लो, क्योंकि अब हम यूके जाने वाले हैं और सनी को साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि वो बहुत छोटा है। आंटी ने कहा था कि तुम बहुत छोटे थे जब वो तुम्हें छोड़ के अमेरिका चली गई थी और उस दौरान तुम्हारे मिजाज पर काफ़ी फ़र्क पड़ा था। हालांकि उनका फैसला उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। अब जब मेरी खुद की फैमिली बन गई है तो मुझे रियलाइज होता है कि उन्होंने ठीक किया, इसलिए रोज सॉरी बोलता हूँ। तो क्या सनी भी इतनी ही देर से चीजों को समझेगा? आई होप सो। अरे क्या हुआ, लगी तो नहीं? चलो आराम से उठो, उठ सकती हो। मॉम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छा हॉस्पिटल है यहाँ पे। सरप्राइजिंगली स्टाफ भी बहुत अच्छा है, अच्छी केयर कर रहे हैं उसकी। दे सेइंग कोई मैडम चलाती, आई विश आई कुड मीट हर। नहीं, मैं आपको कॉल कर लूँगा। ओके मॉम, ओके बाय बाय। खजिस्ता, 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 जानता हूँ मैंने माजी में आपके साथ बहुत कुछ बुरा किया, लेकिन एक दफा मेरी बात तो सुन ले प्लीज। मैं आपकी कोई भी बात सुनना या उसका जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। आप जा सकते हैं यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चला जाऊँ मैं? आप अपनी जिंदगी में एकदम सेट हैं, मैं भी मुतमईन हूँ। लेकिन मेरा भाई आदि बेचारा जब से घर से गया वापस नहीं आया। तो मेरी माँ गम से निढाल हुई है, सिर्फ आप हैं जो उसे वापस ला सकती हैं। देखिए मिस्टर हसन, ना मैंने मिस्टर आदि को यहाँ से भेजा था और ना ही आपकी माँ के गम की जिम्मेदार मैं हूँ। इसे जो कुछ आप लोगों ने किया है उसका हाल भी खुद ही निकालिए। आप कैसे जिम्मेदार नहीं हैं? खुद उसको मोहब्बत के जाल में फंसा के आपने शादी कर ली, वो बेचारा सोच समझ के बोले कि क्या बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। ये मेरा अस्पताल है और मैं यहाँ कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपकी वाइफ की मरहम पट्टी हो चुकी है, आप उन्हें लेकर यहाँ से जा सकते हैं। देखिए मेरी खुशियों हम नशी झूले मेरे दिल की जमीन, इस दिल मगरूर का अब हम सफर